नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर क्या क्या जरूरी खबरें सामने आ रही है। तो पहली बड़ी खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ चुकी है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कोवैक्सीन का अप्रूवल WHO की तरफ से काफी लेट मिला है, लेकिन WHO की तरफ से इस वैक्सीन का अप्रूवल मिलने के बाद भी अभी भी दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जिन देशों ने अभी तक कोवैक्सीन का अप्रूवल नहीं दिया है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी इस लिस्ट में शामिल है। तो इसको लेकर आप यहां पर केरला के हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि वैक्सीन का लेट अप्रूवल मिलने के कारण कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई है, इसके अलावा कई सारे लोग सऊदी अरेबिया और इसके अलावा दुनिया के कई सारे देशों में ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन वैक्सीन का अप्रूवल ना मिलने के कारण अभी तक ऐसे लोग ट्रैवल नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए यहां पर केंद्र सरकार को इन लोगों को हर्जाना देना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगली अपडेट यहां पर पाकिस्तान से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कनाडा ने यहां पर पाकिस्तान के पायलट्स के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना टोरंटो एयरपोर्ट की है, जहां पर पाकिस्तान की फ्लाइट पाकिस्तान के पायलट्स की लापरवाही के कारण दोनों फ्लाइटें आमने सामने आ चुकी थी, जिस कारण से इन दोनों फ्लाइटों के बीच में काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यहां पर उन सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग भारत में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने 15 नवंबर से सभी लोगों को भारत में आने की परमिशन दे दी है। तो यदि आप दुनिया के किसी भी देश से बिलोंग करते हैं और भारत में आना चाहते हैं, तो आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके भारत में घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी होगा, और इसके साथ साथ ये भी जानकारी बताई गई है कि इसका डिक्लेरेशन आपको दिल्ली एयरपोर्ट के एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर अपलोड करना जरूरी है। इसी डिक्लेरेशन के बेस पर आप बिना किसी क्वारंटीन और बिना किसी प्रॉब्लम के भारत में ट्रैवल करके आ सकेंगे। इसके साथ साथ अगली अपडेट यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को दिसंबर महीने में हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर यहाँ पर ऑकलैंड की तरफ से आ रही है, जहाँ पर यह बताया गया है कि यदि आप न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिसंबर महीने से आप न्यूजीलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी लेटेस्ट अपडेट थी इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप रेगुलर बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।